एमपी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंशिता। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नवीन स्वीकृत आवासों की राशि हितग्राहियों के खाते में अंतरित की गई। सीधी जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय के अटल ऑडिटोरियम हॉल में किया गया, जहां पर सांसद रुति पाठक, सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल, ध्वनि विधायक कुंवर सिंह टेकाम समेत अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से संवाद करते हुए सीधी जिले से हितग्राही मुरली रजक ने 50 दिन में मकान बनाकर तैयार करने की बात कही है। इन्होंने मुख्यमंत्री चौहान का योजना के लिए धन्यवाद दिया। वहीं मुख्यमंत्री चौहान ने रजक का कड़ी मेहनत के लिए उत्साहवर्धन किया। चले सांसद जी भी आपके साथ बैठे हैं जी, क्या आपने मकान बना के कंप्लीट कर दिया? जी सर, बना खाना कर दिया। कितने दिन में कंप्लीट किया? 50 दिन लग गया। गजब कर दिया मेरे भाई, 50 दिन में मकान बना दिया। क्या कर दिया? आगे वाले को स्वागत करो। ये नाम सुना जी भी हमारे आदरणीय विधायक जी। सीधी जिले के रीवा सीधी मार्ग NH 39 में देवनार नदी में बरामद एक नवजात बच्चे का शव 3 थानों के लिए पहेली बन गई है। यहां पर 3 पुलिस थानों की सीमा मिलती है। पुलिस द्वारा यह तय नहीं किया जा सका कि घटना स्थल किसकी सीमा है और किस पुलिस थाने अंतर्गत इसका मामला पंजीबद्ध किया जाए। आनंद फानन में पटवारी को बुलाया गया, जहाँ सिमरिया पुलिस को जाँच करने का आदेश दिया गया और सिमरिया पुलिस ने पंचनामा तैयार कर पीएम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को शव सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीधी कुसमी मार्ग में पुलिस सहायता केंद्र टिकरी के पास ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सड़क में पैदल जा रहे भाई बहन को टक्कर मार दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। घटना गुरुवार की है। घटना कारित कर वाहन लेकर भाग रहे ट्रक चालक को पुलिस ने पीछा करते हुए आखिर जब्त कर लिया। बताया गया कि भूमिका निवासी जगदीश, पिता प्यारे सिंह, बहन सियाकली, पति सुरेश सिंह 25 वर्ष को उसकी ससुराल आमा खोल पहुंचाने के लिए घर से निकला था। दोनों पैदल ही टिकरी बस पकड़ने जा रहे थे। जैसे ही वह पुलिस सहायता केंद्र टिकरी के पास पहुंचे, पीछे से आ रहे ट्रक क्रमांक के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए दोनों को टक्कर मारकर वाहन सहित फरार हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था की, साथ ही पीछा करते हुए ट्रक को कुछ दूरी पर जब्त कर लिया। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।